पर उपस्थित हमारे आपके और देश के बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन पर हमें और आपको विश्वास है, वो लगातार जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक जन विश्वास महारैली के नायक नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, महासचिव सीपीएम सीताराम येचुरी जी, डी राजा साहब, सीपीआईएमएल दीपांकर भंडाचार जी, केसी वेगनु गोपाल जी, जनाब अब्दुल बरी सिद्दीकी साहब, तेज प्रताप यादव जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता और इस ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित बिहार की महान जनता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है, 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है, और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था हमने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था, कभी समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी, एक बेटी जो परीक्षा में देकर के आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। ये उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है, उससे पहले भी कई नौजवानों ने जिनको नौकरी नहीं मिली उन्होंने अपनी जान दे दी। जिससे से मैं चुन करके आता था वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने, हमारी आपकी उम्र से कम उम्र, उस नौजवान ने पढ़ी लिखी डिग्री जो थी उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।